भाइयों में आ गई सुंदरकांड लेके। श्री रामचंद्र जी आप सब पर कृपा करें, बहुत घर में सुख शांति और समृद्धि दें। सुंदरकांड पाठ दो दोहे के साथ, दो दोहे की चौपाइयां अर्थ सहित में आप सबको सुना रही हूँ। सुनिए और श्री रामचंद्र जी की कृपा पाइए। जय सियाराम। हमारे हो गए हैं 12 भाग, 13 भाग। अब के कीन से बहुत बड़ाई देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिसकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनते कपि मन मुसे काना, भई सहाय शरद में जाना। जात धान सुन रावण बचना, लागे रचे मूड़ सोई रचना। यह बचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहाना नगर बसन ग्रत तेला, बाड़ी पूंछ कीने कपि खेला। कौतुक के आए पूरे बासी, पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई और लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए और वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते। हनुमान जी ने क्या किया कि अपनी पूंछ को ही बहुत लंबा कर दिया और नगर में ना ही तेल बचा और ना ही कपड़ा बचा, और सारे नगर निवासी खेल खेलने लगे। कोई लात मार रहा है, कोई हंसी उड़ा रहा है हनुमान जी की। बाजे डोल दे सब तारी, नगर फेरे पुने पूंछ फिर जारी। पावक जरत देखे हनुमंता, भय परम लग रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुक चढ़े कपि कन के अटारी, भई सभी निसाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने के अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित ते ही अब सर चले, मरते उने चास अटहास करी गर जा कपीच बड़े लागे आकाश। उसी समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अटहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ भाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। दे बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की यानी कि फुर्तीली है। हनुमान जी का शरीर तो बहुत विशाल है, पर हनुमान जी के अंदर क्या है, बहुत फुर्ती है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर
चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं, आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। ताते माँ तुहा सुनिए पुकारा, एही अब सर को हमें उबारा, हम जो कहा ये कथ नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा? सारे नगर निवासी बोल रहे हैं, हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। नगर निवासी आपस में बात कर रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था ये कोई बानर नहीं है, ये तो कोई देवता है। साधु अब क्या करे फलू ऐसा, जरई नगर अनाथ करे जैसा, जारा नगर निमसी एक माही, एक भी भीषण करे ग्रे नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। भक्त का घर कहीं भगवान जला सकते हैं? नहीं जला सकते। सारा नगर जल गया है लेकिन भक्त का घर, श्री राम जी के भक्त का घर नहीं जला। ताकरी दूत अनल जई सिर जा, जरा ना सोते कारण गिर जा, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंध मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। शिव जी गौरा मैया को क्या बता रहे हैं? हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछी बुझाई खोई शम, धरे लगे रूप बहोर, जनक सुता के आगे खाड़े भयउ कर जोर। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी आप सब पर बहुत कृपा करें।